हेलो आंटी, आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। सुअर की औलाद, मैं तुझे आंटी देखती हूँ, मैं अभी जवान हूँ। अरे हो सुअर की औलाद, क्या पूछना था जल्दी से पूछो, मुझे और भी काम है। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊँ, वैसे तो लोग मुझे प्यार से रजू डार्लिंग कहकर बुलाते हैं, तुम मुझे डार्लिंग कहकर बुलाना। आप कितने सालों से अकेली हैं और आप अपने सास ससुर का देखभाल कर पाएंगे? सास ससुर क्या, मैं पूरे गांव का देखभाल कर लेती हूँ और लोग मुझे कहते हैं वाह बेटी मौज कर रही। मुझे लगता है कि अब मेरे दादाजी कुंवारे नहीं रहेंगे। तो कब आ रहे हो अपने माता पिता को लेकर हमारे रिश्ते के बारे में बात करने? डार्लिंग जी, मैं अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहा था। डार्लिंग जी, जब से आपको मेरे दादाजी ने देखा है तब से उनका दिल बेकरार हो गया और आपसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है बेचारा। आइए दादाजी, आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं डार्लिंग जी। क्या यह ठरकी बुड्ढा मुझसे शादी करेगा? इसकी ये मजाल, मैं इसे सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। डार्लिंग, मेरे अंदर क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं कर रही हो? साले बुड्ढे कहके मुँह में दांत नहीं हो चला शादी करने, आज तो मैं तुझे न छोड़ूंगी। डार्लिंग जी, आप मेरे दादी बन जाइए ना, आप कितने सुंदर हैं और मेरे दादा कितने हैंडसम हैं, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सुअर के औलादों, मैं तुम दोनों का कच्चा चबा डालूंगी। दादाजी यहाँ से चले चलिए, यदि आप जिंदा नहीं रहे तो मेरी दादी कहाँ से आएगी? अरे पोते के बच्चे, भाषण क्यों दे रहा है, जल्दी से भागो, मैं अभी शादी करना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ, भागो। बाय बाय से लगा लूँ, मैं तुम्हारी याद में बियर जरूर पीऊँगा। कहाँ तक भाग कर जाओगे, कभी तो हाथ आओगे ना।